अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं टिकटॉक के। तो सबसे पहले आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपने अपने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है सबसे पहले। फिर ऊपर जो रीजन का ऑप्शन आ रहा है उसमें आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपने नीचे जो सर्कल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। सर्कल को सेलेक्ट करना है। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको आईडी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आप अपने आईडी का जो तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने पिक्चर लिया हुआ है, तो मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ और अपने फ्रंट साइड को सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर अपलोड पे क्लिक करो। अब अपने मशीन आईसी का बैक साइड सेलेक्ट करना है तो अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद बैक साइड को सेलेक्ट करना है अपनी अपनी सही आईसी का बैक साइड, पहले फ्रंट साइड बाद में बैक साइड। तो फिर आपने अपलोड पे क्लिक करना है। कंफर्म एंड अपलोड पे क्लिक करना है। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है चेकिंग, प्लीज वेट। तो आपने वेट करना है। वेट करने के बाद स्टे ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं कि मेरा आईडी कार्ड जो है अपलोड हो गया है। तो फिर आपने गॉट इट पे क्लिक करना है और अभी बैक अपने अकाउंट पे जाना है। तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपने इनबॉक्स पे क्लिक करना है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया है। एक ही मिनट में मेरा आईडी जो है वो वेरीफाई हो गया। तो आपका भी आईडी एक मिनट में भी वेरीफाई हो सकता है और एक दो दिन भी ले सकता है। तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर आपका आईडी उसी वक्त वेरीफाई नहीं हो गया तो आपका आईडी एक दिन या दो दिन के बाद भी वेरीफाई हो सकता है, अपने टेंशन नहीं लेना है।